अरे आरोपी थोड़ी ना है सर, पुलिस वाले हैं सर, ये क्या करें आप लोग, ये क्या बात हुई? सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर हाल फिलहाल मुंबई में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें फोरेंसिक टीम के चार वरिष्ठ अफसरों ने ये फैसला लिया था कि सुशांत सिंह राजपूत की विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद इस केस की फाइनल रिपोर्ट मुंबई पुलिस क्लियर कर देगी, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत के निधन को खुदकुशी करार दिया जाएगा। हालांकि विस्तृत रिपोर्ट के बाद मुंबई पुलिस के इस केस को बंद करने से पहले ही सुशांत के पिता केके सिंह ने इस केस का पूरा रुख पलट दिया। केके सिंह ने बिहार के राजीव नगर थाने में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ FIR दर्ज कराई, जिसके अगले दिन ही बिहार पुलिस सुशांत सिंह राजपूत केस को हैंडल करने के लिए मुंबई रवाना हो गई। वहीं अब मुंबई पुलिस ने बिहार पुलिस के साथ बदसलूकी की है। बिहार पुलिस के एक अफसर को धक्का मारती नजर आई है मुंबई पुलिस, और इस पूरे वाक्य की वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। अरे आरोपी थोड़ी ना है सर, पुलिस वाले हैं सर, ये क्या करें आप लोग, ये क्या बात हुई? दरअसल बिहार पुलिस के एक अफसर से जब मीडिया ने बातचीत करने की कोशिश की, तो मुंबई पुलिस के एक अफसर ने बिहार पुलिस के उस जवान को धक्का देते हुए गाड़ी में बैठा दिया। बता दें, बिहार पुलिस को ऑटो में अंकिता लोखंडे से पूछताछ के लिए जाना पड़ा, लेकिन जब तक ऑटो नहीं मिला तब तक बिहार पुलिस के जवान 3 किलोमीटर पैदल चले थे। जी हाँ, बिहार पुलिस को एक जीप भी प्रोवाइड नहीं करा पाई है मुंबई पुलिस। वहीं मीडिया रिपोर्ट से ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि मुंबई पुलिस ने सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बिहार पुलिस को देने से साफ इनकार कर दिया है, जिसके बाद से ही लगातार मुंबई पुलिस पर अब सवाल खड़े किए जाने लगे हैं। वहीं बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे ने ट्वीट कर ये लिखा कि उनके लिए बहुत सारी कठिनाइयां खड़ी की जा रही हैं, लेकिन वो झुकेंगे नहीं। बहरहाल वायरल हो रही इन वीडियो में मुंबई पुलिस का इस तरह बिहार पुलिस के इस अफसर को धक्का देना आपको किस ओर इशारा करता है? नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दे सकते हैं।